आरा के तरारी 196 विधानसभा का उपचुनाव का मतदान आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो चुका है। जहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तरारी विधानसभा का जो उपचुनाव क्यों हुआ, क्योंकि यहां करीब 2 टर्म से यानी कि 9 साल से यहां के जो विधायक थे वो भाकपा माले के सुदामा प्रसाद थे, और सुदामा प्रसाद को जब पार्टी द्वारा यहाँ के आरा लोकसभा संसदीय सीट से चुनाव लड़ाया गया तो सुदामा प्रसाद ने आरा संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव भी जीत लिया और वो आरा लोकसभा के सांसद भी बन गए। इसके बाद से तरारी विधानसभा की जो सीट थी वो खाली पड़ी हुई थी, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने इस सीट पे उपचुनाव कराया और यहाँ आज शांतिपूर्ण माहौल में मतदान भी संपन्न हो गया। अगर इस सीट का चुनावी समीकरण और पिछले चुनावी प्रचार की भी अगर हम बात कर लें तो ये सीट काफ़ी हॉट सीट बनी हुई थी। तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े जो दिग्गज नेता थे इस सीट पे टकटकी लगाए बैठे थे और अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में जिताने के लिए लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे थे। चाहे वो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनके लिए वो प्रचार प्रसार किए, और बात अगर सम्राट चौधरी की करें डिप्टी सीएम की, सीएम नीतीश कुमार खुद एनडीए प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो तमाम दिग्गज नेता जो थे वो अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात तरारी विधानसभा के क्षेत्र में मेहनत किए हैं, और इतने मेहनत के बावजूद कहीं ना कहीं एक खलल इन तमाम प्रयासों में रह गया, ये कि जो पोलिंग रेशियो होना चाहिए था, परसेंटेज होना चाहिए था, जो पिछले दफ़ा से इस बार की अगर तुलना करें तो पोलिंग रेशियो काफ़ी कम हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है। वो पोलिंग रेशियो कम होने से प्रत्याशी भी अब सकते में हैं और आम जनता भी जो है वोटर्स भी हैं वो भी अब सकते में पड़ गए हैं कि आखिरकार इस सीट से कौन जीतेगा। हालांकि लड़ाई अगर कहें इस सीट पे तो पहले जो था त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, चूँकि भाकपा माले प्रत्याशी जो हैं राजू यादव वो एक तरफ थे, दूसरी तरफ एनडीए के जो समर्थित बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत थे, और तीसरे जो अगर उम्मीदवार के तौर पे कहा जाए तो प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन सुराज की उम्मीदवार किरण सिंह थी, और इन तीनों लोगों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही थी। लेकिन आज जो चुनावी माहौल देखने को मिला, जिस तरह से वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे, उससे यह साफ हो गया कि इस चुनाव की लड़ाई में जन सुराज लड़ाई से बाहर है और सीधा मुकाबला जो है वो एनडीए और ईडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच में है। पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से और यहाँ के मतदाताओं से बातचीत के आधार पर पत्रकार जो लगातार यहाँ इस चुनावी क्षेत्र का कवरेज कर रहे थे, अगर उनकी भी बात करें तो उनके हिसाब से सारा विश्लेषण अगर करके अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है भाकपा माले और बीजेपी प्रत्याशी में थोड़ा सा पलड़ा जो है वो बीजेपी का ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। लेकिन कहना ये मुश्किल होगा कि बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत होगी, ऐसा कहना भी अभी फिलहाल ठीक नहीं है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, तरारी विधानसभा, बिहार।